1:05 तकरीबन होने वाले हैं। तो जी आज है फ्राइडे और 1:15 तक नमाज होगी स्टार्ट। और सामने वाली आपको जो मस्जिद नज़र आ रही है, ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसका यहाँ पर, तो थोड़ा टाइम लगेगा इस मस्जिद को बनने में। अगर ये वाली मस्जिद रेडी होती तो मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगते हैं मुझे और यहाँ पर नमाज पढ़ता मैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, हमारे जाते जाते आयरा में मिल गई है और आयरा आई है स्कूल से अभी और हम जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने। ओके, मैं नमाज़ पढ़ कर आता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। ओके, मस्जिद थोड़ी सी दूर नज़र आएगी आपको, बड़ी जितने सारे लोग जा रहे हैं ये सब मस्जिद जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। और अमूमन जो है ना ऑफ़िस वाले जो लोग होते हैं वो तो अक्सर ऑफ़िस में पढ़ लेते हैं जिनकी ऑफ़िस की ऑफ होती है, और जो यहाँ पर अक्सर आए हुए होते हैं वो नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे होते हैं। वो देखे जी वहाँ पर भी कुछ लोग हैं वो भी जा रहे हैं, आगे कुछ लोग हैं वो भी जा रहे हैं, और ये पूरा रूट है और यहाँ से बहुत सारे लोग ना आगे आगे से आ रहे हैं, तो इसका मतलब है मस्जिद काफ़ी लंबे लंबे डिस्टेंस के ऊपर है। जब भी वो वाली मस्जिद जो आपको दिखा रहा था इस पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इसीलिए ये वाली मस्जिद है दूर, और इसके बाद दूर दूर तक ना कोई और मस्जिद नज़र नहीं आ रही है। एक आ रही है वो बहुत ज़्यादा दूर है, वो शायद आपको वो देखें इसका गुंबद नज़र आ रहा होगा, बहुत दूर है वो। पर ये देखिए जी ऑफ रोडिंग जिसको करनी है थोड़ी बहुत कर सकता है यहाँ पर, कैसे लेके गया वो गाड़ी। होए क्या बात है, फुल मस्ती में भाई वो। ऑनेस्टली ये बताऊँ आपको, धूप बहुत ज़्यादा है, फील भी ज़्यादा हो रही है, जब बाहर निकले ना तब तो फील और ज़्यादा हो रही है। अच्छा आप लोग ये देखें जी, यहाँ पर जितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं सब लोगों ने यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क कर दी हैं, और गाड़ियों से अंदाज़ा हो रहा है कि अंदर बहुत ज़्यादा रश होगा। और लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आया था यहाँ पर लिखा हुआ था लेडीज़ ओनली, पर यहाँ से अभी जेंट्स भी आना जाना कर रहे हैं, बट हम आगे से ही जाएंगे क्योंकि ये वाला एरिया लेडीज़ का ही है भाई, कन्फर्म। सारे पैसे यार इधर आके वसूल होते हैं, यहाँ पर टैक्सियों का भी हाल देखें, ये टैक्सी का हाल है। तो यार गाड़ियाँ ना बहुत ज़बरदस्त, गाड़ियों ने तो दिल जीत लिया जैसे यार। अब ये देखिए जी मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे हैं और अब आप यहाँ पर जुम्मा पढ़ते हैं। ये है मस्जिद की हदूद, अंदर जमात होगी और ये है वजू खाना, तो बस यहीं पर ही चलते हैं क्योंकि वजू तो है आपके भाई का। स्लीपर रख देते हैं यहाँ पर, याद रहे हमें। भाई यहाँ पर इस मस्जिद से निकले तो यहाँ पर एक पंफलेट मिला और यहाँ पर जो डिस्काउंट लगा हुआ है, इनकी 3rd एनिवर्सरी है, इसकी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। पर ये मेरे किस काम आएगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसका धूप बहुत ज़्यादा हो रही है तो धूप से बचते हुए जाना है, कैप लेके नहीं आया आपका भाई। सही है आगे ज़ेबरा क्रॉसिंग है पर लोग यहाँ से आना जाना कर रहे हैं, डोंट वरी भाई, जुम्मे का टाइम है, पार्किंग का भी इशू नहीं है और आने जाने का भी मसला नहीं है, वरना ऐसा कभी आप कर नहीं सकते। पर अभी हम कर रहे हैं, देखें ज़ेबरा क्रॉसिंग नहीं है पर फिर भी हम कर रहे हैं। सो जी फाइनली धूप से लड़ते लड़ते आ गए, और आज मैं सोच रहा हूँ जुम्मा है और कराची में अगर मैं होता तो मैं लाजमी सी बात है बिरयानी खा रहा होता। तो बस अब ये है कि आज फ्राइडे, कोशिश करूँगा यहाँ पर कोई अच्छी बिरयानी वाला नज़र आए तो मैं जाके बिरयानी खाऊँ। A few moments later. भाई वैसे तो शलवार कमीज़ में कम पहनता हूँ पर आज शलवार कमीज़ पहन ली है, तो वो भी ब्लैक, और UAE की इतनी गर्मी में मैंने ब्लैक कलर पहना हुआ है। और उसके बाद अब जब जाने की बारी आई तो मैंने कहा अब शलवार कमीज़ में निकलते हैं, घर वाले बोल रहे हैं चेंज कर लो, मैंने कहा यार अब इसी में निकल जाते हैं, अब जो पहना हुआ है वो पहना हुआ अल्लाह मालिक है। कभी इस तरीके से मैं दुबई वगैरह में घुमा नहीं हूँ स्लीपर्स वगैरह, पर क्या यार जैसे भी हो आप वैसे घूमो, तो मैंने सोचा हाँ यार बस एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, किसी से मिलने जाते कहीं जाते तो लेट्स सी थोड़ा तैयार होकर जाते, पर अभी जो है हमारे जुम्मे का दिन है, ट्रेडिशनल ड्रेस है, तो मैंने सोचा ऐसे निकलते हैं। और ऐसा लग रहा है कि बस वाले से मेरी पक्की दोस्ती हो गई है, रेगुलर इसी बस पर बैठते हैं। अरे यार ये F10 आया, मुझे F61 में जाना है बट ये F10 है, इस पर नहीं बैठना, F61 का वेट कर रहा हूँ, वो आती है तो फटाफट से उस पर बैठते हैं। भाई आते आते टाइम ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ पर हो गई है मगरिब और मस्जिद भी सामने नज़र आई है, तो नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद चलते हैं। थोड़ा सा ही आगे पार्क लियारी, तो वाली बिरयानी खाते हैं, पर उससे पहले नमाज़ पढ़ते हैं क्योंकि अजान स्टार्ट हो गई है और अच्छा मस्जिद मिल गई है। तो जी फाइनली नमाज़ पढ़ने के बाद अब निकल चुके हैं। मैं थोड़ा यहाँ के बारे में आपको बता दूँ, इस जगह का नाम है डेरा, और यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा पाकिस्तानी अपने पठान भाई, बंगाली, पंजाबी, इस टाइप के ना सारे लोग नज़र आ रहे होंगे, और आपको हमारे पाकिस्तानी स्पेशली बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे वाली जगह पर। ये जो आपको जगह नज़र आ रही है यहाँ से थोड़ा सा आगे पाक लियारी बिरयानी है, और यहाँ पर मैं जाऊँगा, पर ये पूरी ना हलचल है यहाँ पर, और ये मस्जिद है बहुत प्यारी खूबसूरत सी मस्जिद है। और वजू खाना इसका बाहर था, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी, बढ़िया कि फिर वजू जाके करा और फिर जाके नमाज़ पढ़ी। अच्छा भाई ये देखें 2 स्ट्रीट नज़र आ रही है आपको, एक राइट और एक लेफ़्ट। अब ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी कि जाना किधर है, बट मैं फिर भी लेफ़्ट जा रहा हूँ क्योंकि इसी साइड हो सकता है क्योंकि राइट की तरफ से मैं आया हूँ। अच्छा अपने ना लोकल जिस तरह हमारी कराची में मार्केट है उस तरह से कुछ मार्केट है यहाँ पर, शूज़ वगैरह, स्लीपर्स।
बहुत सारी वैरायटियां यार, बट ये ऐसी चीज़ें जो हमारे पाकिस्तान में भी हमें मिल जाए। ये फैब्रिक अच्छा है भाई। अच्छा जी, आपको जो सामने मशीन नज़र आ रही है, ये मशीन है यहाँ पर एटीएम, और यहाँ पर पाकिस्तानी झंडा भी बना हुआ है। देखें जी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, युगांडा, कीनिया, बहुत सारे झंडे बने हुए हैं। इंडिया का भी है भाई। तो यहाँ से थोड़ा सा और आगे रास्ता है, और वहाँ से फिर हम लोगों को राइट की तरफ टर्न करना है। तो यहाँ पर ट्रैफिक जाम, मुझे फर्स्ट ऐसी जगह है दुबई की जहाँ पर मुझे ट्रैफिक जाम नज़र आ रहा है। मतलब ज़्यादा, इतना ज़्यादा होता नहीं अमूमन। भाई ये लेके तो आ गया पाक लियारी रेस्टोरेंट, और मैं लास्ट टाइम ये वाले रेस्टोरेंट में नहीं आया था, मैं आया था डिफरेंट वाले में। और ये तो बहुत छोटी सी दुकान है, पर चलते हैं अंदर और पूछते हैं बिरयानी, क्योंकि मैंने जो सोचा हुआ था उससे बिल्कुल ही डिफरेंट जगह लेकर आया ये। चलो चलते हैं, लेट्स सी। ओए सो जी, यहाँ पर आए तो यहाँ पर अब मटन खानी थी, बिरयानी वो नहीं मिली, चिकन पूछा वो नहीं है, तो बीफ। वैसे नॉर्मली मैं बीफ खा रहा होता हूँ, और कराची में बीफ खा रहे होते हैं, पर अभी आज ये समझे कि सिर्फ बीफ बिरयानी का ऑप्शन था। और ये मैं जिस ब्रांच में आना था वो वाली ब्रांच में नहीं आया, बट ये है कि चले जहाँ पर भी आया, भूख तो लग रही है, काफ़ी देर से भूखा हूँ, तो बिरयानी आती है, लेट्स सी ट्राई करते हैं। बीफ है, थोड़ी सी मसाले वाली मैंने बोल दी थी कि भाई ज़्यादा मसाला होना चाहिए, चटपटा सा होना चाहिए, सही है जी। तो लेट्स सी आती है तो शक्ल दिखाते हैं आपको। सो जी, फाइनली बिरयानी आ चुकी है, और यहाँ पर हाफ चावल बिल्कुल सादे हैं, और हाफ जो है ना वो हैं, हाँ हाँ, इसको निकाल के कल्टी कर देते हैं। कर देना, कर देना यार, क्या बात है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आ गई जी मसाले, और ये आ गई बीफ। भाई देखने में तो बहुत स्पाइसी टाइप की चीज़ लग रही है। या दोस्त एक कोल्ड ड्रिंक भी दे देना यार, ब्लैक सही है, पेप्सी। क्या बात है भाई, क्या बात है, माशाल्लाह। अब इसका पहला बाइट लेते हैं, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, तो इसको फिनिश करते हैं और फिर आपको उसका रिजल्ट देते हैं। A few inches later. बिरयानी खा के आपका भाई आ चुका है, और अब फाइनली थक बहुत गए, लंबा रास्ता बहुत ज़्यादा चल लिया है, पर यार बिरयानी ना बस सही थी। जो हम कराची में खाते हैं उसका कंपैरिजन नहीं है, सही है। कराची में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, और उन ऑप्शन से पीछे ही है, तकरीबन 5 भी लगा लो ना, 5 या 10, उससे भी पीछे है बिरयानी। तो इस बिरयानी को पता नहीं क्यों फेमस करा हुआ है, पर सही है, यहाँ के हिसाब से सही है, क्योंकि यहाँ पर हम कराची वाला जायका दे नहीं सकते। और एक बेड सीन हो गया था, मैंने सोचा यार नहीं बताऊँ, पर मैंने कहा यार नहीं बताऊँगा तो ये भी गलत है, और थोड़ा बहुत बता भी दूँ। यार जब मैं वहाँ पर खाने बैठा ना, तो ऑनेस्टली के जब जैसे खा रहा होता, उसके बाद एकदम ना सामने से चूहा आ गया, और वो मेरे एकदम कपड़ों के ऊपर चढ़ा। मैं हटा तो कह रहा क्या हो गया, मैंने कहा चूहा है, वो देखा सामने बैठा हुआ चूहा, तो वो चूहा था। वहाँ पर बड़ा बैड एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद मुझे सही से खाई भी नहीं गई बिरयानी। और जब फर्स्ट इंप्रेशन चला जाता है ना, तो उसके बाद सब चीज़ें बुरी हो जाती हैं, तो यही हुआ मेरे साथ। तो फर्स्ट इंप्रेशन बड़ा ख़तरनाक गया, उसके बाद बिरयानी भी एवरेज लगी। हाँ, पेप्स जो 7-Up लेकर आया था ना, वो ज़बरदस्त थी। अच्छा ये देखिए जी, ये डबल लेकर बस ये वाली आप लोगों को दिखाऊँ, ओए होए होए, बड़ी ज़बरदस्त है। और ये मेरे ख्याल से ये चलती है दुबई से शारजा के लिए। बाकी ये कि यार अभी वीडियो एंड करता हूँ और मैं निकलता हूँ, क्योंकि देर बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाकी मैं निकलता हूँ, अभी मेट्रो लेनी है, और वही पूरा प्रोसेस लेना है 1.5 घंटे का घर पहुँचने के लिए। सही जी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।